इसके नीचे ना चावल का कट्टा है, तो मतलब हुआ था ये ना, ये बच गया। और ये हमारा चावल का जो ड्रम है ना, वो काफ़ी छोटा है, तो इसमें तो पूरा फुल हो गया है और बाद बाकी बच गया है। तो फिर मैंने मालक के टब से ढक के रख दिया है। अचानक से ना एक बादल आया है, मतलब कैसा बादल बोलते हैं, बादल उस टाइप का बादल है ही नहीं। गुमसुम टाइप का होता है ना, कहीं बारिश हो रहा है तो वो उस बारिश का ठंडा हवा है ना, वो इधर को आ गया है। और काफ़ी मौसम भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने दो बार नहाया, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के आई हूँ। दोपहर को भी नहाया था, अभी एक बार फिर से नहाया। और माधव तो अभी सोया है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्यों ना ब्लॉगिंग कर लूँ, सोया है जब तक। और आज तो देखा होगा आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में कि मैंने कद्दू का जो कि साग पकाया था, ये देखो ये, तो ये ना हम साफ करने वाले हैं इधर का पीछे का। ये सारा फूल का पेड़ है, देखो देखो ये सारे फूल के पेड़ है। और मनी प्लांट क्या हो रहा है पता नहीं, ये फिर भी बच जाएगा, पानी से तो बेहतर ही है। देखो ये वाला पेड़ कहाँ से कहाँ तक चला गया। और ये मैंने ना टब यहाँ पे ला के रख दिया है, क्योंकि ना इसमें कुछ लगाऊंगी मैं, देखते हैं क्या लगाते हैं। और देखो उस दिन मेरे हस्बैंड ने इस घास को काटा, फिर से उग गया ये घास, ये बड़ा बेशरम घास है। इसमें ना घास मारने वाला दवाई देना पड़ेगा, नहीं तो ना ये ख़राब कर देगा। या तो हम सोच रहे हैं यहाँ से निकाल के ना यहाँ लगाएंगे हम। देखो पूरा जंगल हो गया है, कहीं कुछ नज़र आ रहा है आपको? कुछ नज़र नहीं आएगा, साफ करवाना है फिर से। और अभी हम सोच रहे हैं ना घास वारने वाला दवाई देंगे, बट ना बेफालतू पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बारिश का टाइम है। और घास मारने वाला जो दवाई होता है ना, वो 24 घंटा रिएक्ट करता है, फिर उसको मार देता है। तो 24 घंटे के अंदर अगर बारिश हो जाएगा ना, तो फिर मेहनत भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। तो मैंने सोचा कि किसी को ला के, किसी ताऊ जी को बुला के पीछे का जो ये इतना एरिया है ना, साफ करवा दूँ फिर से। और उसके बाद ना ये वाला घास लगवा दूँ पूरे जगह में, कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगा। और फिर हम लेके आएंगे एक मशीन घास काटने वाला, सोच तो मैं यही रही हूँ, हस्बैंड को बोल के देखूँगी मैं। और देखो ये देखो कैसा बादल है, मतलब कहीं बारिश हो रहा है तो उसका जो हवा है ना, वो उसका ठंडा ठंडा हवा इधर को आ रहा है। और मौसम ना अचानक से ठंडा हो गया है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोपहर को इतनी गर्मी पड़ गई थी ना, बहुत ही गर्मी। और यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी बन रहा है थोड़ा कड़क बनाना। और ये मैं लेके आई थी ना मॉल से, विशाल मेगा मार्ट से। ये ख़त्म हो गया क्या? हमारे यहाँ पे एक मार्ट ऐसा खुलता तो काफ़ी मज़ा आता, हम रोज़ जाते ऐसे। बट हमारे यहाँ पे ना हमें बंद कर दिया है, थोड़ी देर के बाद पेंगे, अभी हस्बैंड से कोई मिलने आया है तो ढक के रख देते हैं। उनको ना आइसक्रीम खाया था तो गिलास चाहिए था हमें, ये गिलास के अंदर कबाड़ फेंकने के लिए। बोल रही थी आप लोगों को कि अगर हमारे यहाँ पे अगर अच्छा सा एक मार्ट होता, मॉल होता, तो मैं आप लोगों को दिखाती, रोज़ लेके चलती। बट हमारे यहाँ पे ना मॉल है नहीं, कुछ अच्छा सा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें ना अच्छा ढूंढने के लिए यहाँ से कम से कम काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, सितारगंज जाना पड़ेगा। और वहाँ पे तो मॉल है नहीं, ये भी हाँ एक ट्रेंड है, तो वो मॉल टाइप का नहीं है, कुछ शॉपिंग एरिया टाइप का है। तो वहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ग्रॉसरी का कोई मिलता नहीं है। तो लग थोड़ा रितु के घर में काफ़ी के कुत्ते से मिलवाते हैं।
ये देखो डफली ये देखो डफी ना भाई तोरे धरबो ना। तो रितु लोग पीछे का एरिया जो कि मुझे गिफ्ट करने वाले हैं, ये सारा एरिया है। रितु है, रितु मैंने सुना है तुम्हारा आधा हिस्सा मेरे को देने वाले हो तुम लोग। वे काकी माँ सोई है और वहाँ उनकी बेटी रितु, यहाँ चल रहा है मूवी इनका। कौन सा मूवी चल? माधव उठ गया है, मैं थोड़ा रितु के घर पे क्या ही उठ गया माधव। तो चलो अभी अंदर देखो, ये देखो उठे कैसे, उठे कैसे, सुसु भी कर दिया। अरे अरे अरे, तो देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फिर से मेरे को कॉफी बना के दिया जो बन रहा था ना, और उनके फ्रेंड को दिया, और ये मेरे लिए अलग से इन्होंने बनाया है। तो देखो अभी हम चढ़ रहे हैं ना छत पे, कि काफ़ी मस्त ठंडा है ना इधर, इसलिए। यहाँ देखो, ये देखो कौन है, ये देखो, ये साथ साथ आ गई। तुमने बुलाया ना इसको, है बुलाया तभी आया। अभी मैं इनको बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकती, ना तो डफी को ना तो इसको, क्योंकि मुझे ना इसको पकड़ना पड़ता है। नहीं चाहती ना कि इनकी वजह से माधव बीमार पड़े। अगर इसका एक भी बाल अगर माधव के मुंह पे गया ना, तो उसको उल्टी, दस्त, बहुत कुछ हो जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो जानवरों से प्यार ना दूर से भी किया जा सकता है, इसलिए मैं अभी बिल्कुल नहीं पकड़ रही हूँ। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा उसमें माधव में थोड़ा शक्ति आ जाएगा, पावर आ जाए इन सब चीज़ों को लेके, जब वो खुद पकड़ने लगेगा इन सब चीज़ों को, तभी जाके मैं इसको भी पकड़ूँगी, माधव को भी एक साथ पकड़ेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा माधव अभी बीमार पड़े। और देखो अभी ये दूध पी के, अभी पापा ने दवाई दिया था, वो दवाई कौन सा वाला, इसका उल्टी सीने का, पता नहीं बलगम वाला, पता नहीं मिक्स है।